हेलो एवरीवन वेलकम टू एस मित्रा तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स के टॉप मैनेजमेंट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर प्रतीक वेकारिया साहब प्रतीक साहब कंपनी के प्रमोटर है चेयरमैन एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है सर थैंक यू एंड वेलकम टू द शो सर शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से uh, आप एक्सप्लेन uh, करेंगे प्लीज़ uh, कंपनी का कारोबार क्या है और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है

ओके और आई गेस ऑयल एंड गैस है तो काफी दिग्गज क्लाइंट्स भी होंगे आप हाँ आपके गे, गेल राइट तो गेल एच पी सी एल आईओ बीपीसीएल लाइक ओके तो सारे बड़े ही दिग्गज कंपनी आपके क्लाइंट्स हैं इस क्षेत्र के ओके okay. सर थोड़ा सा पीछे जाते हैं आ, ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी और अभी तक की जर्नी कैसे रही वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअली 2008 में जॉब छोड़ने के बाद 2008 में एज अ प्रथम कंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिश किया था okay. और स्मॉल स्केल वाटर पाइपलाइन के सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे हम उसके बाद 2015 2016 के आसपास ऑयल एंड गैस में सीजीडी प्रोजेक्ट्स में हम एंटर हुए थे और 2021 के आसपास वी आर क्वालिफाइड इन लॉन्ग लेंथ क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस तो अभी okay. हमारे पास जो भी मतलब ऑर्डर्स हैं

ए, सर आपका रिवेन्यू टॉपलाइन एंड बॉटम लाइन इयर्स से तो गोइंग फॉरवर्ड भी दोनों so, से अच्छा खासा राइज आएगा क्योंकि अभी हमारे सेवन हंड्रेड करोड के ऑर्डर बुक है ऑलरेडी और अपकमिंग थ्री इयर्स फाइनेंशियल वो हम कम्प्लीट करने का टारगेट है तो जो भी है मतलब अभी तक क्या था कि ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में मोस्टली सी जी डी एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और लॉन्ग लेंथ प्रोजेक्ट्स का मिक्सअप था मगर राइट नाउ वी मतलब जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग लेंथ पाइपलाइंस है तो अभी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में अच्छा खासा ग्रोथ मिल देखने को मिलेगा

तो आपके मार्जिन जो लास्ट ईयर के करीब है वही कॉन्टिन्यू रहेगा या इकोनॉमी ऑफ स्केल से वो एक्सपेंड होने के कुछ चांसेस हैं? नहीं मार्जिन मोस्टली जो सेम प्रोजेक्ट्स है तो वही कंटिन्यू uh, रहेगा और कुछ प्रोजेक्ट्स अगर नेक्स्ट uh, टाइम में बिल्डिंग में आते हैं तो वो बढ़ भी सकता है मगर सेम मार्जिन पे रन करेंगे

और सर अभी मैं अगर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो लिस्टेड इंडिया के अंदर है मे बी महानगर गैस ले लो आई ले लो मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट ये है कि गोइंग फॉरवर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ तो लाइक इलेक्ट्रिफिकेशन गोइंग ऑन तो उन सबको वैल्यूएशन डिस्काउंट एंड चांसेस है कि From gas to electricity, बहुत जल्दी हो हो जाएगा तो तो में में वैसा कुछ लग रहा है या अभी भी, भी रहेगा अगर होगा हो तो भी वो व्हीकल्स है जो तो ये बड़ी कंपनियां है उसका कोई सेल्स उतना व्हीकल्स uh, वगैरह में इंडिया डोमेस्टिक नहीं है तो इसका जो सेल्स है वो मेनली main, इंडस्ट्रीज में हुँ। जैसे गुजरात गैस है तो मोरबी में पूरा सिरामिक इंडस्ट्रीज में उसका सेल्स मैक्सिमम है

और सर जैसे अभी आपने बताया कि आप पैन इंडिया कर रहे हैं ये जो सेवन ऑर्डर है इनका कुछ टू हंड्रेड करोड़ के काम जो चल रहे हैं वो ओडिशा में है. नहीं, नहीं, और हंड्रेड करोड़ का अभी चल रहा है जो तमिलनाडु में है और बाकी फोर हंड्रेड करोड़ का जो हमारे पास ऑर्डर है वो अभी हमारा खंबात में है गुजरात में थैंक तो सर वो कंपटीशन को ही थोड़ा सा आ, आगे ले जाते हैं तो अभी पिछले मंथ फरवरी में ही एक गुजरात बेस्ड कंपनी थी आ, रुद्रा गैस वो भी एसएमई एम प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुई उसका भी कारोबार आपकी कंपनी से काफी सिमिलर है राइट तो आप ये देख रहे हैं क्या कि आपके इंडस्ट्री में कंपटीशन इंटेंस हो रही है और उसका कोई मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा या कंपनी क्योंकि सेक्टर इतना ग्रो होगा कि हर कंपनी को ग्रो होने का मौका मिलेगा तो जनरली मुश्किल है क्योंकि जैसे कि अभी हम भी सिटी गेट डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में कुछ काम करते हैं मगर अभी जैसे हम लॉन्ग लेंथ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस में तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन थोड़ा टफ है और कंपटीशन आना थोड़ा मतलब जो लेवल वहां पे है वो यहाँ पे नहीं है सेकेंडरी जब हम अभी ऑफशोर प्रोजेक्ट्स लिए हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन और कम है तो ऐसे डे बाई डे हमारा थोड़ा स्ट्रेटी चेंज होता रहा है पास्ट में भी और इन फ्यूचर में भी होता रहेगा ओके

इंटरव्यू कंप्लीट करें उससे पहले आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली uh, मैं मेरे इन्वेस्टर को कहना चाहूँगा कि आगे जाके बहुत ही ऑयल एंड के अंदर पोटेंशियल है तो हमारे पास एक अच्छा खासा ऑर्डर बुक है तो आप हमारे साथ आइए जुड़िए और आपको कभी मतलब अच्छा खासा एक रिटर्न आने वाले टाइम में मिलेगा थैंक यू सर प्रतीक सर आपने टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए कंपनी के बारे में विस्तार से बताया धन्यवाद हैव अ गुड डे थैंक